ओम शांति। इस समय पर हर आत्मा अलग अलग रीति से अपने कई जन्मों के हिसाब किताब को चुकतू कर रही है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या, विघ्न, परेशानी जरूर है, लेकिन बाबा के बच्चों को इन सब को सहज पार करना है। चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां या विघ्न हैं जो हमें पीड़ा दे रहे हैं, वो सब हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन बाबा का बनकर जब हम अपने पूर्व में किए हुए पापों की क्षमा बाबा से मांग लेते हैं, तो दया का सागर बाबा हमारे आधे पापों को क्षमा कर देता है और बचे हुए आधे पाप कर्म हमें योग और भोगना के द्वारा चुकतू करने पड़ते हैं। इसलिए हम कितना ना धन्यवाद अपने बाबा का करें जिसने हम पर ये उपकार किया। साथ ही हमारे कर्मों के फल स्वरूप जो भी परिस्थितियां, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, उनसे भी लड़ने की शक्ति हमें दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। लेकिन मुख्य बात जो हम सभी को नोट करनी है वो ये है कि हमें अंतिम समय से पहले अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके बाबा संग सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने की महान सेवा के निमित्त बनना है। यही सबसे बड़ी सेवा है जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जो भी कष्ट, परिस्थितियां, विघ्न अभी हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनसे घबराना नहीं है, ना ही उनसे दूर भागना है, बल्कि शांत मन से खुश होकर सब कुछ चुकतू करते जाना है। अगर हम हिसाब किताब चुकतू होने के समय चिल्लाते हैं, बाबा को कंप्लेंट करते हैं, सहज शांत रीति से उसे चुकतू नहीं होने देते हैं, तो वो हिसाब हमसे विदाई लेकर भविष्य में चुकतू होने के लिए हमारे सामने आता है। इसलिए कुछ भी हो, कितना भी कष्ट, विघ्न या कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो, उसे शांत होकर चुकतू होने दो, तो वो थोड़े में ही सब चुकतू हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम सब बाबा को सौंप कर शांति से सब चुकतू करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, कंप्लेंट नहीं करेंगे। जब भी कोई हिसाब या कष्ट आए तो मन में यही संकल्प करो, वह मैं आत्मा अब जन्म जन्मांतर के पापों के कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो रही हूँ। फिर मेरा जीवन सदा सदा के लिए सुख और आनंद से भर जाएगा। मैं आत्मा फरिश्ता बनकर बाबा संग पूरे संसार की आत्माओं के लिए सेवा के निमित्त बनूंगी और यही सेवा मेरी झोली दुआओं से भर देगी। मुझे सबका इष्ट देवी देवता बना देगी। बाबा ने कहा है, जो आत्माएं अंतिम समय से पूर्व सर्व कर्म के हिसाब किताब से मुक्त हो जाती है, वही फरिश्ता बनकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का महावरदान देती है और स्वर्ग में भी महान पद को प्राप्त करती है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कल्याण समाया है। ड्रामा और बाबा मिलकर मुझे सब कर्म बंधनों से मुक्त करके अंतिम भयावह समय से पूर्व धर्म राजपुरी से पूर्व फरिश्ता बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
सदा सदा के लिए कष्टों से दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में मन को शांत रखो और अपने भाग्य के और बाबा के गुण गाओ। वाह मेरा बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति।